हड्डियों को मजबूत करने वाले योग। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारा शरीर हड्डियों से बना होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत और स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। थोड़ी सी लापरवाही हड्डियों को कमजोर बना देती है। कुछ योग आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं तथा आयुर्वेदिक उपचार की सहायता से आप हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। उत्तानासन। उत्तानासन हड्डियों में खिंचाव पैदा करके उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। ये आसन रीढ़ की निचली हड्डियों, पैरों और हिप्स की हड्डी को मजबूत बनाता है। इस आसन से शरीर के हर हिस्से में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और संतुलन बढ़ाने में मदद मिलती है। उत्तानासन शरीर के प्रजनन तंत्र और हार्मोन असंतुलन को भी ठीक करता है। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन बहुत कमाल का आसन है क्योंकि ये एक साथ आपकी बाहों, रीढ़ और पैरों पर काम करता है। ये मांसपेशियों के साथ ही हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। ये आसन शरीर में संतुलन सुधारने में भी मदद करता है। ये शरीर में रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है। अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन शरीर का संतुलन बढ़ाने वाला आसन है। ये आसन शरीर की कमजोर हड्डियों में संतुलन बढ़ाने की क्षमता को भी सुधारने में मदद करता है। अर्धचंद्रासन के अभ्यास से पैरों, रीढ़ और हाथों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार लाकर पोषक पदार्थों के पोषण की क्षमता बढ़ाता है। हड्डियां की मजबूती का आयुर्वेदिक इलाज। फ्रीफ्लेक्स कैप्सूल्स हड्डियों और जोड़ों का आयुर्वेदिक इलाज है। फ्रीफ्लेक्स कैप्सूल शक्तिशाली जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करके जोड़ों के कामकाज में सुधार करते हैं। इन कैप्सूल में जड़ी बूटियां होती हैं जो हड्डियों के ऊतकों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अस्थि विकृति को रोकने में लाभकारी होती हैं। उत्थित पार्श्वकोणासन। उत्थित पार्श्वकोणासन पैरों में खिंचाव लाकर उन्हें मजबूत बनाता है। ये आसन हाथों और कमर पर भी काम करता है। ये आसन हमारे पेट के भीतरी अंगों और प्रजनन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। ये आसन शरीर में हार्मोन असंतुलन को ठीक करने में मदद करता है। ये आसन रक्त संचार बढ़ाता है जिससे हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है। अर्धपिंच मयूरासन। अर्धपिंच मयूरासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में गजब का काम करता है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी पर पूरी लंबाई में एक साथ खिंचाव आता है। इससे रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला कोई भी स्ट्रेस आसानी से दूर हो जाता है। इससे हड्डियों और जांघ की मांसपेशियों को भी अच्छा खिंचाव मिलता है और टांगें मजबूत हो जाती हैं। अर्धपिंच मयूरासन के अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है। सेतु बंधासन। ये आसन मूल रूप से रक्त संचार बढ़ाने और पीठ को मजबूत बनाने पर काम करता है। सेतु बंधासन रीढ़ की हड्डी के साथ ही पसलियों के तनाव को भी कम करने में मदद करता है। ऊर्ध्वधनुरासन। ऊर्ध्वधनुरासन को योग की एडवांस लेवल मुद्रा माना जाता है। ये आसन शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है और रक्त संचार सुधार कर पोषक तत्वों के पोषण को सुधारने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से हाथ और पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं। ये आसन पेट के भीतरी अंगों को भी अच्छी मसाज देता है। वृक्षासन। इस योग में व्यक्ति को पेड़ की तरह खड़े होना होता है। इस आसन को करने से रीढ़, कमर और पेल्विक हड्डी मजबूत बनी रहती है। गठिया की समस्या से राहत मिलती है और कमजोर कंधे भी मजबूत हो जाते हैं, साथ ही शरीर का संतुलन भी अच्छा बना रहता है। उत्कटासन। इस आसन में व्यक्ति को कुर्सी की तरह बनना होता है। इसे करने से शरीर की मांसपेशियां खिंचती है और उनकी सहन शक्ति में बढ़ोतरी होती है।
हड्डियों में भी काफी फायदा होता है। कंधे और छाती की हड्डियां मजबूत हो जाती है। भुजंगासन, सूर्य नमस्कार करते समय भुजंगासन किया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और लोअर बैक स्पोर्ट भी अच्छा हो जाता है। इसे करने से कलाइयों की हड्डियों में मजबूती आ जाती है और उंगलियां भी गठिया रहित हो जाती हैं। फ्री फ्लेक्स कैप्सूल्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुष रेमेडीज.in पर जाएं। क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।